तरह से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है, 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू सर। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, दुखदायक घटना है, 260 से लोगों के तो शायद अभी तक नंबर आ गए, लोगों की मृत्यु हो गई है और 900 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। तीन ट्रेन हादसे में इन्वॉल्व हुई हैं, एक ट्रेन अपनी पटरी से गिरी, वो दूसरी पटरी पे गिर गए, उसके डिब्बे वहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, दोनों गाड़ियाँ फिर उसके साथ आ गए, तीसरी गाड़ी पे भी पहुँच गए, ऊपर चढ़ गए, यहाँ तक तस्वीरें देखी हैं कि ट्रैक्स जो हैं वो पूरे के पूरे घूम गए हैं। इतने मजबूत ट्रैक होते हैं जिसमें हज़ारों हज़ारों गाड़ियाँ निकल चुकी होती हैं, कितनी देर से वो चल रहा होता है, वो कैसे पूरे का पूरा ट्रैक भी घूम गया, ये अपने आप में बहुत एक बात समझ से बाहर है, इतना इसे अंदाज़ा लगता है कितना बड़ा है। एक ही बात कही जा सकती है कि इस सब चीज़ों से पता लगता है कि सुरक्षा का सबसे बड़ा एक अहम सवाल होता है रेलवेज़ के लिए, वो सबसे एक प्राथमिकता सुरक्षा को देनी दिए जानी चाहिए। और अभी क्योंकि उन्होंने अपनी कमेटी बनाई हुई है, वो स्टैंडिंग जो एक सिलेक्ट इनकी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो अभी तफ्तीश करेंगे, उसके बाद बताएंगे, फिर कुछ बात का जिक्र किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी वहाँ पे मौके पर, अच्छी बात है, वो गए हैं और मुझे मैं साथ आशा करता हूँ कि वहाँ गए हैं और साथ ऐलान कुछ और ज़्यादा वो कर दें तो अच्छा है, जो मुआवजे का लोगों को कॉम्पनसेशन का इमदाद का किया है।